हेलो गाइस वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बी सेल मैचुरेशन के बारे में और एंड में हम सी एस का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि सी एस में पूछा गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी सेल मैचुरेशन से अगर हम बात करें बी सेल मैचुरेशन की तो हम लोग बहुत ईजी वे में इसे समझेंगे देखिए यहाँ पर हमारे क्या शो कर रखा है ये है स्ट्रोमल सेल्स ठीक है बोन मैरो के स्ट्रोमल सेल्स हैं ठीक है तो ये स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो हैं तो ये जो बोन मैरो की ये सेल्स हैं ध्यान से सुनेगा कि जो आपके प्रो बी सेल्स होते हैं प्रो बी, बी सेल्स मीन्स प्रोजेनेटर बी सेल्स जो होते हैं उन्हें कॉन्टैक्ट करना होता है स्ट्रोमल सेल्स के साथ ठीक है तो ये कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्टेक्ट होगा ये होगा सेल अडेजन मॉलिक्यूल के थ्रू तो वी एल ए फोर VLA4 क्या है आपका सेल एडेशन मॉलिक्यूल है ठीक है, है. है जो कि किस पे प्रेजेंट है आपके प्रो बी सेल पर प्रो बी सेल बेसिकली प्रोजेनेटर बी सेल्स हैं VLA4 एक सेल एडेशन मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट होता है प्रो बी सेल पर ठीक है अब इस VLA4 के लिए जो लाइगेंड है वो है VCAM1 VLA4 के लिए लाइगेंड कौन है VCAM1 VC AM1 किस पे प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है आपके स्ट्रोमल सेल्स सेल्स ऑफ ऑफ बोन बोन मैरो मैरो पर पर स्ट्रोमल ठीक है तो जैसे ही एंड इंट्रेक्शन होगा ठीक है तो कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश हो जाएगा तो इनिशियल कॉन्टेक्ट के बाद ध्यान से सुनेगा इनिशियल कॉन्टेक्ट के बाद क्या होता है प्रो बी सेल पे आपके प्रेजेंट होती है सी किट प्रो बी प्रो बी सेल पे क्या प्रेजेंट है सी किट प्रेजेंट है सी किट प्रो बी सेल पर प्रेजेंट है एंड एस सी एफ एस सी एफ स्टेम सेल फैक्टर प्रेजेंट होता है स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैंने क्या कहा जो है वो आपकी प्रेजेंट है आपके बेसिकली प्रो बी सेल पर और आपका एस सी एफ है वो प्रेजेंट है आपके स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरू पर ठीक है तो जैसे ही जो कि आपका सेल अडेशन मॉलिक्यूल है वी एल ए फोर उसका इंट्रैक्शन होगा वी सी एम से तो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा इनिशियल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होने के बाद सी किट एस सी एफ से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करेगा सी किट और एस सी एफ में क्या होगा इंट्रेक्शन होगा जब सी किट और एस सी एफ में इंट्रैक्शन हो जाएगा तो इनिशियल आपका क्या है कांटेक्ट स्टैब्लिश हो चुका है अब सी किट जो है जो कि प्रो बी सेल पे प्रेजेंट है वो प्री, प्रो बी सेल को बताएगा कि कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो चुका है इन द सेम वे एस सी एफ स्ट्रोमल सेल को बताएगा कि कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो चुका है देन क्या होता है कि सी किट जब ये प्रो बी सेल को बता दिया सी किट ने एस सी एफ ने ये जो स्ट्रोमल सेल्स से हैं उन्हें बता दिया देन क्या होता है प्रो बी सेल पर इंटरल्यूकिन सेवन रिसेप्टर एक्सप्रेस होने लगता है प्रो बी सेल पे क्या होता है इंटरल्यूकिन सेवन रिसेप्टर क्या है एक्सप्रेस होने लगता है अब आप ये देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में क्या हो रहे हैं ये इंटरल्यूकिन सेवन रिसेप्टर आ जाता है और इंटरल्यूकिन सेवन इंटरल्यूकिन सेवन जो है वो रिलीज होती है स्ट्रोमल सेल से स्ट्रोमल सेल क्या रिलीज करते हैं आपके इंटरल्यूकिन सेवन को तो इंटरल्यूकिन इंटरल्यूकिन रिसेप्टर से बाइंड करता है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैंने क्या कहा यहाँ तक देखिए सुनिए बहुत इजी है आ, मैं यहाँ पर आपको इवन समझा भी सकती हूँ इजी वे में देखिए जैसे सपोज ये आपके क्या है स्ट्रोमल सेल्स हैं ठीक है ठीके? अब ये स्ट्रोमल सेल्स है और ये क्या है आपकी प्रो बी सेल है तो आपका क्या होता है पहले सेल अटैशन मॉलिक्यूल होता है प्रो बी सेल पे प्रेजेंट वी एल ए फोर वी एल ए फोर और इसके लिए जो लाइगेंड होता है वो होता है वी सी ए एम वन जैसे ही इन दोनों में कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश्ड होता है तब क्या होता है सी किट जो कि प्रो बी सेल पे प्रेजेंट है सी किट एंड एस सी एफ में कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश होता है एस सी एफ किस पे प्रेजेंट है आपके स्ट्रोमल सेल्स पे बोन मैरो मेरोल पर एस सी एफ प्रेजेंट है और सी किट प्रेजेंट है आपके प्रोबी सेल पे तो कॉन्टेक्ट इस्टिश हो गया तो सी किट जब कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश्ड हो जाता है तो सी किट इंफॉर्मेशन देती है प्रो बी सेल को कि कॉन्टेक्ट इस्टैब्लिश हो चुका है और एस सी एफ जो है इन्फॉर्मेशन देता है स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो को बोन मैरो को कि मेरोक्ट इस्ट हो चुका है देन क्या होता है प्रो बी सेल को जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है वो रिसेप्टर शो करने लग जाता है इंटरल्यूकिन के लिए क्या करने लग जाता है रिसेप्टर शो करने लग जाता है और जैसे ही स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो को मैरोन मिलती है तो ये सेल्स क्या रिलीज करने लग जाते हैं इंटरल्यूकिन सेवन को रिलीज करने लग जाते हैं अब इंटरल्यूकिन सेवन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा इंटरल्यूकिन सेवन का किससे बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से तो जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करता है अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है जैसे ही इंटरल्यूकिन सेवन इंटरल्यूकिन सेवन रिसेप्टर से बाइंड करता है देन आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं क्या होता है आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं जब इंटरल्यूकिन सेवन इंटरल्यूकिन सेवन रिसेप्टर से बाइंड करता है देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं तो बेसिकली फोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं कौन कौन से आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं हम देखते हैं देखिए पहला है ई टू ए ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है ई टू ए सेकेंड वन इज वॉट ई बी एफ ई बी एफ इसके फुलफॉर्म है अर्ली बी सेल फैक्टर अर्ली बी सेल फैक्टर थर्ड वन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो है आपका बी एस ए पी बी एस ए पी इसकी फुल फॉर्म क्या है बी सेल स्पेसिफिक एक्टिवेटर प्रोटीन b से एंड लास्ट वन आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है सोक्स 4 ये चारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ पहले क्या होगा आपके प्रो बी सेल कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा स्ट्रोमल सेल से तो इनिशियल कॉन्टैक्ट कैसे बनता है सेल एडेशन मॉलिक्यूल है वीएलए4 उसका लाइगेंड है बीसीएएम1 बीसीएएम1 जो कि स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो पर प्रेजेंट है एंड एंडल जो कि प्रेजेंट है आपके प्रो बी सेल पर ये दोनों पहले इनिशियल कॉन्टेक्ट बनाते हैं इनिशियल कॉन्टेक्ट बनने के बाद क्या होता है आपका सी किट जो बी सेल पे प्रेजेंट है एंड स्टेम सेल फैक्टर जो कि आपके स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो पर प्रेजेंट है ये मैरोक्ट स्टेब्लिश करते हैं जैसे ही इन दोनों में कॉन्टेक्ट होता है सी किट इंफॉर्मेशन देता है प्रो बी सेल को कि कॉन्टेक्ट इस्ट हो चुका है

तो ये रेग, ये चारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिलके क्या करेंगे रैग जीन्स को एक्टिवेट करेंगे और रेग जीन का क्या रोल होता है ये रीअरेंजमेंट करता है रीअरेंजमेंट ऑफ बी सी आर इम्नोग्लोबिन जीन्स आई जी जीन्स रेग जीन का क्या रोल होता है देखिए जैसे टी सेल मैचुरेशन में हमने पढ़ा था कि वो रीअरेंजमेंट करता है टीसीआर जीन्स का इन द सेम वे बी सेल मैच्योरेशन में रेग जीन्स क्या करते हैं रीअरेंजमेंट करते हैं बीसीआर जीन्स का ठीक है तो आप देखिएगा क्या होगा देखिए अब ये आपका प्रो बी सेल है ठीक है प्रो बी सेल प्रो बी सेल पे क्या हुआ आपके आपके रीअरेंजमेंट हो गया किसका रीअरेंजमेंट किसका हुआ आपके बीसीआर आईजी जीन्स का तो आपके आईजी अल्फा आई जी बीटा आ जाते हैं आई जी एल्फा एंड आई जी बीटा क्या होंगे प्रो बी सेल में आ जाएंगे ठीक है तो अगर मैं बात करूं कि प्रो बी सेल में हमारे पास क्या क्या आ जाता है तो देखिएगा अगर प्रो बी सेल की बात करूंगी तो प्रो बी सेल में हमारे पास सी किट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सीडी वन वन सेवन ठीक है देन हमारे पास सी डी नाइनटीन होता है प्रो बी सेल में सी डी ट्वेंटी फोर प्रेजेंट होता है सी डी फोर्टी थ्री होता है एंड सी डी फोर्टी फाइव आर होता है बी टू टू जीरो बोलते हैं माइस में सी डी फोर्टी फाइव आर को ठीक है अब देखिए अब क्या हुआ क्योंकि चारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हुए उन्होंने क्या किया रीअरेंज रेग जीन्स को एक्टिवेट किया रेग जीन्स का क्या होता है रोल रीअरेंजमेंट ऑफ बी सी आर आई जी जींस ठीक है जिसकी वजह से आईजी एल्फा एंड आई जी बीटा भी आ गए तो आपके प्रो बी सेल पे क्या आ गया आई जी एल्फा एंड आई जी बीटा ऑल्सो ठीक है अब प्रो बी सेल क्या बनेगी आपकी प्री बी सेल बनेगी देखिए ये प्रो बी सेल है यहां पर डायग्राम में शो कर रखा है है ये क्या आपकी प्रो बी सेल्फा आई जी बीटा क्या है आ गए हैं सरफेस पर प्रो बी सेल की अब क्या होगा प्रो बी सेल क्या बनेगी प्री बी सेल बनेगी प्री इज स्टैंड क्या करता है प्रिकर्सर को प्री स्टैंड क्या करेगा प्रिकर्सर को जबकि प्रो क्या स्टैंड करता है प्रोजिनेटर को ठीक है अब प्री बी सेल पे अगर आप डिफरेंस देखें प्रो और प्री में तो प्री बी सेल पे क्या आ चुका है आपकी आई आ चुकी है आई आ चुकी है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है ठीक है तो आप ध्यान से देखिएगा अब प्रो से जब प्री बी सेल बनी तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो आपकी हैवी चेन है ये हैवी चेन है हेवी चेन कंप्लीट है पर अगर आप लाइट चेन देखें लाइट चेन क्या है इनकम्प्लीट है तो इस लाइट चेन को हम बोलते हैं सरोगेट लाइट चेन क्या बोलते हैं सरोगेट लाइट चेन या फिर इनवेरियंट लाइट चेन सरोगेट लाइट चेन सरोगेट लाइट चेन बेसिकली क्या कंजिस्ट करता है एक आपका वी प्री बी को कंजिस्ट करता है एक आपके लेमडा फाइव को कंजिस्ट करता है दोबारा सुनिए मेरी बात हैवी चेन आपकी कंप्लीट है लेकिन जो लाइट चेन है वो कंप्लीट नहीं आई है तो जो आपका चेन है उसे वो तो कंप्लीट आया है लेकिन जो लाइट चेन है वो इनकम्लीट है सरोगेट सरोगेट लाइट लाइट चेन चेन तो जो है, वो उसके लाइक like स्ट्रक्चर होता है मैं क्या बोल रही हूँ कि वी लाइक सीक्वेंस इज वॉट वी प्रीवी और जो लेमडा फाइव है वो सी लाइक सीक्वेंस है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपकी देखिए हैवी चेन कंप्लीट आई है पहली बात जो लाइट चेन है वो सरोगेट लाइट चेन है अब सरोगेट लाइट चेन बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या कंजस्ट कर रहा है वी प्री वी तो वी लाइक सीक्वेंस को आप वी प्री वी बोलेंगे सी लाइक सीक्वेंस को लेमडा फाइव बोल रहे हैं यहाँ पर वी लाइक सीक्वेंस कॉल्ड वी प्री वी सी लाइक सीक्वेंस कॉल्ड लेमडा फाइव ठीक है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हेवी चेन में तो सीडीआर आए हैं कंप्लीट लेकिन लाइट चेन में सीडीआर नहीं है फंक्शनल सीडीआर नहीं आए हैं तो क्योंकि सीडीआर नहीं आए हैं इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं ये इनकम्प्लीट लाइट चेन है सरोगेट लाइट चेन है ठीक है तो जो आपकी लाइट चेन है वो क्या है सरोगेट लाइट चेन है उसमें वी प्री प्रीबी है एंड लेमडा फाइव है वी प्रीवीज वी लाइक सीक्वेंस कॉल्ड वी प्री प्रीबी सी लाइक सीक्वेंस कॉल्ड लेमडा फाइव अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी आ, चेन है तो ये क्या है कौन सी है म्यू है क्या है ये म्यू क्या है ये म्यू म्यू हैवी चेन जो है सबसे पहले अपियर होती है सबसे फर्स्ट कौन अपियर होता है म्यू ठीक है तो फर्स्ट हैवी चेन कौन सी है यहाँ पर जो एक्सप्रेस हुई है वो है म्यू अच्छा अब देखिएगा अब क्या होता है कि ये जो प्री बी सेल्स है अब क्या होगा प्रोलिफ्रेशन होगा सेल डिवीजन होगा तो वन टू सिक्सटी फोर सेल्स डिवीजन होता है ठीक है थर्टी टू टू सिक्सटी फोर सेल्स मतलब सेल्स डिवाइड करती जाती हैं सिक्सटी फोर सेल्स अप्रोक्स बनती हैं और क्या आती हैं फिर इमेच्योर बी सेल आती हैं क्या आया इमेच्योर बी सेल बनती हैं अब ये इमेच्योर अगर आप बी सेल देखें तो देखिए हैवी चेन तो ऑलरेडी पहले से कंप्लीट थी अब लाइट चेन भी क्या आई है कंप्लीट आई है लाइट चेन क्या है आपकी कंप्लीट आई है पूरी पहले क्या आती है आपकी लाइट चेन सरोगेट थी अब लाइट चेन क्या आई है आपकी कंप्लीट आई है इमेच्योर जो आपकी प्री वी सेल्स होती हैं उनमें लाइट चेन कंप्लीट आती है ठीक है देन अब क्या होगा अब आपकी सेल्स जो हैं वो सेल्स आपके जाएंगे नेगेटिव सिलेक्शन में किसमें जाएंगी नेगेटिव सिलेक्शन में अगर आपको याद हो टी सेल मेचुरेशन तो देखिए टी सेल मैचुरेशन में पहले सेल्स जाती थी पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए वहाँ पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए इसीलिए जाती थी क्योंकि आपके पास दोनों ही थी सी डी फोर एंड सी डी एट दोनों प्रेजेंट थे पर क्योंकि यहाँ पर सी डी फोर और सी डी एट का कोई कंसेप्ट नहीं होता इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस में जाती हैं सेल्स नेगेटिव सिलेक्शन में जाती हैं और नेगेटिव सिलेक्शन में हम उन सेल्स को सिलेक्ट नहीं करते जो अपनी ही पेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्स कर रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ हम उन सेल्स को एलिमिनेट कर देते हैं जो सेल्स अपनी पेप्टाइड के लिए करती हैं जो ऑटो रिएक्टिव होती हैं उन सेल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है नेगेटिव सिलेक्शन में तो जो सेल्फ पेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्स कर रही हैं उनको क्या कर दिया जाता है एलिमिनेट कर दिया जाता है अब देखिए वो सेल्स क्या हो गई एलिमिनेट हो गई लेकिन उनमें से कुछ सेल्स उनमें से कुछ सेल्स को एलिमिनेट नहीं किया जाता कुछ सेल्स को दोबारा मौका दिया जाता है उनको मौका दिया जाता है रिसेप्टर एडिटिंग का उनको मौका दिया जाता है रिसेप्टर एडिटिंग का देखिए क्या है ये रिसेप्टर एडिटिंग ध्यान से देखिएगा ये आपकी अब आप क्या है आपकी इमेच्योर प्री बी सेल्स हैं ठीक है अब ये सेल्फ पेप्टाइड है ये सेल्फ पेप्टाइड है अगर ये इससे क्या है इसके लिए रिस्पॉन्स कर रही है तो क्या होगा रिसेप्टर एडिटिंग होगी रिसेप्टर एडिटिंग का मतलब क्या है कि लाइट चेन लाइट चेन को चेंज कर दिया जाए देखिए नेगेटिव सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है उन सेल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है जिनकी हाई एफिनिटी होती है अपने पेप्टाइड के लिए और उन सेल्स को रख लिया जाता है जिनकी लो एफिनिटी होती है अपने खुद के पेप्टाइड के लिए तो मोस्टली सेल्स जो जिनकी हाई एफिनिटी है अपने ही पेप्टाइड के लिए उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है लेकिन एक कुछ कुछ सेल्स को बहुत थोड़ी सेल्स को एक दूसरा मौका दिया जाता है उस मौके को हम कहते हैं रिसेप्टर एडिटिंग या फिर लाइट चेन एडिटिंग तो क्या होता है इसमें कि चेन से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती चेन एस सच रहती है लेकिन जो लाइट चेन है उसे क्या किया जाता है लाइट चेन के रिसेप्टर को चेंज कर दिया जाता है क्या होता है लाइट चेन के रिसेप्टर को चेंज कर दिया जाता है लाइट चेन का रिप्लेसमेंट किया जाता है अब देखिए आप यहां पर ब्लू कलर में आपको लाइट चेन दिख रही है जबकि यहां पर पिंक कलर में लाइट चेन दिख रही है यहां पर क्या है ब्लू कलर में लाइट चेन है तो अगर देखिए रिसेप्टर एडिटिंग के लिए सेल गई और अगर लाइट चेन चेंज होकर आई और उसने आप फिर दोबारा चेक कराया जाता है सेल फिर दोबारा से नेगेटिव सिलेक्शन कराया जाता है दोबारा से अपने ही पेप्टाइड से इसका चेक किया जाता है अगर सेल अगर दोबारा सुनिएगा अगर सेल रिस्पॉन्स नहीं कर रही अपने पेप्टाइड के लिए तो ऐसी सेल्स को ब्लड में भेज दिया जाता है लेकिन अगर सेल रिस्पॉन्स कर रही है रिसेप्टर एडिटिंग के बाद भी अगर सेल अपने ही पेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्स कर रही है तो ऐसी सेल्स को किल कर दिया जाता है ऐसी सेल्स को क्या कर दिया जाता है किल कर दिया जाता है लेकिन अगर सेल रिसेप्टर एडिटिंग में गई लाइट चेन चेंज हुआ लाइट चेन चेंज होने के बाद अगर सेल रिस्पॉन्स नहीं कर रही है अपने पेप्टाइड के लिए तो उस सेल को ब्लड में भेज दिया जाएगा अगर सेल रिस्पॉन्स कर रही है रिसेप्टर एडिटिंग के बाद भी तो क्या है उसको किल कर दिया जाएगा ठीक है अब सेल कहां आ जाएगी ब्लड में आ जाएगी जब सेल ब्लड में देखिएगा देखिए ये पूरा अभी तक चल रहा था बोन मेरो में अब सेल क्या हुई आपकी ब्लड में आ गई जब सेल ब्लड में आ जाएगी तो ब्लड में आने के बाद क्या होगा ये सेल आपकी ब्लड में आ गई अब आईजीएम तो ऑलरेडी आ चुका है आईजीएम आ चुका है आईजीडी आईजी तभी आएगा जब सेल कहां आ जाएगी ब्लड में आ जाएगी आईजीडी तभी अपियर होगा जब सेल क्या होगी ब्लड में आ जाएगी और जब सेल ब्लड में आ जाएगी तब इसे हम बोलेंगे मैच्योर बी सेल तब जाके ये क्या हुई है मैच्योर हुई है और आईजीडी तभी आएगा जब सेल क्या हुई है ब्लड में आ गई है और जब सेल ब्लड में आ जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे मैच्योर बी सेल मैं एक बार और समराइज कर रही हूं दोबारा सुनिएगा आप लोग देखिए बहुत इजी है पहले क्या है आपके स्ट्रोमल सेल्स हैं बोन मेरो के ठीक है और प्रो बी सेल है तो प्रो बी सेल और स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन कांटेक्ट बनाएंगे तो सेल अडेशन मॉलिक्यूल होता है वी एल ए फोर वी एल ए फोर का लाइगेंड होता है वी सी एम वन ठीक है ये दोनों आपस में कांटेक्ट करेंगे इनिशियल कांटेक्ट स्टेब्लिश हो जाता है देन क्या होता है ये आपका सी किट जो कि प्रो बी सेल पर प्रेजेंट है

इंटरल्यूकिन इंटरल्यूकिन से बाइंड करेगा बाइंडिंग के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होंगे रैग वन एंड रैग टू को एक्टिवेट करने के लिए चारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेट होना जरूरी है तो ई टू एफ बी सेफ एंड सॉक्स का एक्टिवेट होना जरूरी है रैग वन एंड रैग टू को एक्टिवेट करने के लिए जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हुए उन्होंने रैग जीन्स को एक्टिवेट किया बेसिकली वो रिकॉम्बिनेस जीन्स हैं जीन्स का काम होता है रीअरेंजमेंट ऑफ बी सीआर इमनोग्लोबलिन जीन्स तो वो क्या करेंगी आप देखिए आपके प्रो बी सेल पे क्या आ चुका है आई जी एल्फा आ चुका है आई जी बीटा आ चुका है ठीक है देन क्या होगा आपका अब प्रो बी सेल से प्री बी सेल बनेगा तो अगर प्रो बी सेल से जब प्री बी सेल देखिए आई जी एल्फा और आई जी बीटा तो यहां पर भी प्रेजेंट है अगर आप ध्यान से देखें तो लेकिन अब क्या आ गया है आपके बेसिकली हैवी चेन आ गया है क्या आ गया है आपका हैवी चेन आ गया है और हैवी चेन आने की वजह से क्या हो रहा है अब आपका कि हैवी चेन तो कंप्लीट आया है लेकिन जो लाइट चेन है वो सरोगेट लाइट चेन है इट मीन्स दैट सरोगेट लाइट चेन में फंक्शनल सीरियार्स नहीं आए हैं तो सरोगेट लाइट चेन जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या क्या कंजिस्ट कर रहा है सरोगेट लाइट चेन आपका कंजिस्ट कर रहा है वी प्री बी को वी लाइक सीक्वेंस कॉल्ड वी प्री बी एंड सी लाइक सीक्वेंस कॉल्ड लेमडा फाइव ठीक है देन प्री बी सेल अगर ये बात की जाए आपके प्री बी सेल में तो प्री बी सेल आपका क्या क्या कंजिस्ट कर रहा है प्री बी सेल देखिए प्री बी सेल पे आई जी एल्फा आई जी बीटा है ठीक है आपका क्या है मेम्ब्रेन बाउंड आई जी एम आ चुका है क्या हो चुका है मेम्ब्रेन बाउंड आई जी एम आ चुका है एंड आपका सी डी ट्वेंटी फाइव भी होता है प्री बी सेल पर सी डी फोर्टी फाइव सी डी फोर्टी फाइव आर एंड सी डी ट्वेंटी फोर अब प्री बी सेल पे क्या है सरोगेट लाइट चेन है ठीक है 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 अब क्या होगा प्री बी से प्री बी सेल बनेगी प्री बी सेल पे अगर आप हैं, तो लाइट चेन, मींस पूरी आपकी जो है, जो म्यू है, पूरा वो कंप्लीट आया है मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन कंप्लीट है उसमें आपका हैवी चेन एंड लाइट चेन दोनों कंप्लीट आया है देन क्या होगा आपका कि सेल अब नेगेटिव सिलेक्शन के लिए जाएगी कहाँ जाएगी नेगेटिव सिलेक्शन के लिए उन सेल्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा जो सेल्स जो सेल्स अपने ही पेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्स कर रही हैं नेगेटिव सिलेक्शन में हम उन सेल्स को एलिमिनेट करते हैं जो सेल्स खुद के ही पेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्स कर रही हैं ऑटो ऑटो रिएक्टिव होती हैं सेल्स उनको एलिमिनेट कर देते हैं लेकिन कुछ सेल्स जो हैं रिसेप्टर एडिटिंग के लिए जाती हैं रिसेप्टर एडिटिंग बेसिकली क्या होता है ध्यान से सुनिएगा कि आप हैवी चेन को एस सच रखेंगे हैवी चेन से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती सिर्फ लाइट चेन को लाइट चेन को रिप्लेस कर दिया जाता है ठीक है तो रिसेप्टर एडिटिंग में क्या होता है आपका लाइट चेन जो है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है लाइट चेन में लाइट चेन uh, का लाइट चेन एडिटिंग हो जाती है तो क्या होता है अगर फिर चेक किया जाता है कि क्या आप सेल जब रिसेप्टर uh, एडिटिंग हुई उसके बाद चेक किया जाता है क्या सेल अब फिर से Self -peptide के लिए स कर रही है अगर वो रिस्पॉन्स करती है ध्यान से मेरी बात, अगर वो response करती है, तो क्या होगा ब्लड तो में, में जाने के बाद क्या होगा आपका बेसिकली आपकी बी सेल है वो क्या हो जाएगी मैच्योर बी सेल हो जाएगी जब तक सेल ब्लड में नहीं गई वो मैच्योर नहीं होगी सेल जैसे ही ब्लड में जाएगी वो क्या हो जाएगी मैच्योर बी सेल हो जाएगी और सेल के पास क्या आ जाएगा आईजीडी भी आ जाएगा क्या आ जाएगा आईजीडी भी आ जाएगा अब देखिएगा आईजीडी के बाद अब देखिए अब हम कुछ केस देखते हैं अगर हम कुछ केस देखें तो देखिए अगर मैं कहूं कि मैं अगर जीन्स नॉकआउट कर लूं आईजीडी की तो क्या होगा अगर हम आईजीजी आईजीडी के जीन्स को नॉकआउट कर ले तो क्या बी सेल मैचुरेशन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि बी सेल मैच्योर मैचुरेशन आईजी देखिए आईजीडी जो है वो आपका कब आ रहा है जब आपकी सेल ब्लड में आ चुकी है तो बी सेल मैचुरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा जो सेल आएगी वो फंक्शनल बी सेल आएगी अगर आईजीडी के जीन्स नॉक नौ, नॉकआउट कर लिए जाए अगर नेक्स्ट बात की जाए अगर मैं कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई टू ए बी सेप ebf sox4 किसी भी एक को किसी भी एक को नॉकड आउट कर लूं तो क्या बी सेल मैच्योर हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि चारों चारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का हमें रिक्वायरमेंट होता है अपने बी सेल रेग जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए तो अगर आप किसी भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को नॉकड आउट कर लेंगे तो क्या होगा आपका बी सेल मैच्योर नहीं हो पाएगा अगर मैं रेग जीन्स को नॉकड आउट कर लूं तो क्या आपका बी सेल मैच्योर हो पाएगा देखिए अगर आप रेग जीन्स को नॉकड आउट कर लें तो ना ही आपका बी सेल और ना ही आपका टी सेल ना ही आपका बी सेल और ना ही आपका टी सेल मैच्योर हो पाएगा और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एस सी आई डी ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एस सी आई डी एस सी आई डी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी एस सी आई डी सीवियर इम्यूनो immunodeficiency और ये किस में की गए, देखा गया था माउस में इसमें देखा गया था माउस में तो scid माउस दोबारा तो मैं रिपीट कर रही हूं ध्यान से सुनेगा तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखिए अगर हम फर्स्ट केस की बात करें अगर मैं igd के जीन्स को नॉक आउट कर लूं तो क्या होगा तो आई जी डी के जीन से बी सेल मैचुरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि आई जी डी कब आप, आपके सेल पर आ रहा था जब वो ब्लड में आ चुकी है ठीक है तो बी सेल जो है आपकी कैसी आएगी फंक्शनल आएगी बी सेल क्या आएगी फंक्शनल आएगी वहीं पर अगर मैं बात करूं अगर मैं मेरे पास चार ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं अगर मैं उन्हें नॉकड कर लूं तो क्या होगा तो कि अगर आपके फोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं अगर मैं उन्हें नॉकड आउट कर लू तो क्या होगा तो आपकी जो सेल है वो कैसी होगी वो मैच्योर नहीं होगी तो नो मैचुरेशन ऑफ प्रो बी सेल प्रो बी सेल क्या रह जाएगी प्रो बी सेल ही रह जाएगी नो मेचुरेशन ऑफ प्रो बी सेल ठीक है थर्ड केस अगर मैं रेग जीन्स को नॉकड आउट कर लू तो क्या होगा देखिए रेग जीन्स बेसिकली आपके क्या है कॉम्बिनेस जीन्स हैं जो कि रीअरेंजमेंट करते हैं बी सी आर का तो रेड जींस आपके बी सी आर एज वेल एज टी सी आर जींस का रीअरेंजमेंट करते हैं ठीक है तो ना ही बी सेल मेचोर होगी और ना ही टी सेल्स मेचोर होंगी तो इमेचोर बी एंड टी सेल्स रह जाएंगे आपके इमेच्योर बी एंड टी सेल्स और इमेचोर बी एंड टी सेल होने की वजह से जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा पर्सन क्या हो जाएगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इट मीन्स दैट उसे कोई भी इंफेक्शन इजीली हो जाएगा ना ही उसकी बॉडी में बी सेल्स मैचोर हैं ना ही उसकी बॉडी में टी सेल मैच्योर है तो उस पर, वो जो पर्सन है उसे बहुत इजीली इन्फेक्शन हो सकता है तो वो पर्सन क्या हो जाएगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एस सी आई डी सी और ये किसमें देखा गया था माउस में देखा गया था किसमें देखा गया था माउस में आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छी से क्लियर हुआ होगा बी सेल मेचुरेशन वाला केस अब हम एक क्वेश्चन की तरफ चलती हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है सी एस आई नेट ट्वेंटी ट्वेंटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक तो है तो हैवी चेन दैट इज रीअरेंज्ड फर्स्ट

समझ आया होगा बहुत इजी लगा होगा पढ़ने में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज्ञान वर्षा क्वेरी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मेल करके पूछ सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ज्ञान वर्षा नीम से आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ये जो मेटेरियल है मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी सो बाय एंड थैंक यू सो मच